नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। 28 जुलाई 2020 दो गुटों में आपसी झगड़े में नदीम नामक युवक की मौत हो गई थी व चार व्यक्ति घायल हो गए थे। इस क्रम में आज मृतक नदीम के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी व उचित न्याय की मांग को लेकर टोंक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया है कि उनके साथ न्याय हो तथा जल्द नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो तथा मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। बाकी कुछ मुजरिम बाकी है जो बाहर घूम रहे हैं, हमारे पत्थर मारे, पत्थरबाजी करी। इंसाफ चाहिए, उनको सजा हो तो फांसी की हो, हम दोबारा देख ना पाए। हमारे छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं, इनको इंसाफ चाहिए। कलेक्टर साहब से हमारी यही गुजारिश है कि हम गरीबों का इंसाफ करें और उनको फांसी की सजा हो।